हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल न्यूटन फिट्स। आई होप आप सब सेफ होंगे और आप सबकी एमएसटीसी 2022 के एग्जाम के प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। आप एक डेडिकेटेड वे में पढ़ रहे होंगे, कंसिस्टेंसी के साथ आप अपने प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। तो देखो यार, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं टॉप 10 कॉलेजेस इन महाराष्ट्र, टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन महाराष्ट्र बेस्ड ऑन एमएसटीसीटी स्कोर। एमएसटीसीटी के स्कोर के अकॉर्डिंग कौन से बेस्ट कॉलेजेस है, उनका हम क्या जानेंगे, कट ऑफ जानेंगे, उनका हम जानेंगे प्लेसमेंट जानेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन हर एक कॉलेज के हम डिटेल में इंफॉर्मेशन जानेंगे। ठीक है, जो टॉप 10 कॉलेजेस है। अभी आप बोलोगे भैया इस चीज की क्या जरूरत है, अभी तो हमारा एग्जाम तो होने दो, उसके बाद ये सब वीडियो डालो। देखो, एक होता है कि एक आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉप कॉलेजेस है, आपका एक एम सेट होना चाहिए कि हाँ मुझे इस कॉलेज में जाना है, मैं इस डायरेक्शन में मेहनत मारूंगा। ठीक है, बहुत कुछ अभी से पर्सपेक्टिव नहीं है इस चीज का। ठीक है, कि अभी आपने कॉलेज जान लिया तो अभी बहुत आपको बेनिफिट हो जाएगा, नहीं, लेकिन सिर्फ आपको एक व्यू मिलेगा कि हाँ मैं जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ मेरे कुछ टारगेट्स होने चाहिए, जो बच्चे आईआईटी के लिए प्रिपेयर करते हैं। देखो यार, मैं सब चीजों आपको आईआईटी के बेसिस पे लेके जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं खुद एक आईआईटी जेई फैकल्टी हूँ। ठीक है, मैं अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ, मैं ऑफलाइन में आईआईटी जेई के लिए पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली जो आईआईटी के बच्चे होते हैं उनको पता होता है कि हाँ मेरा ड्रीम है आईआईटी बॉम्बे, हाँ मेरा ड्रीम है आईआईटी कानपुर। ठीक है, आपका भी एक आप ड्रीम बना सकते हो कि हाँ मुझे सीयूपी में जाना है, नहीं सीयूपी में नहीं जाना, मुझे वीजीटीआई में जाना है, मुझे इसमें एनटीसी लेना है, मुझे इसमें कंप्यूटर लेना है, ये आपका एक ड्रीम होना चाहिए। ठीक है, इसलिए एक बेसिक आपको क्लैरिटी आनी चाहिए कि हाँ ये कॉलेजेस है, ये कॉलेजेस के ये परसेंटाइल है, ये आपके कट ऑफ से। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। दूसरी चीज है, अभी से अगर आपने प्रिपरेशन हो गई होगी, आपकी प्रिपरेशन अगर एमएसटीसीटी का एक बार आपने सिलेबस पढ़ लिया होगा, अभी आपको एक ही चीज करनी है। बच्चे जितने भी दिन है अभी एमएसटीसीटी के, एक ही चीज करो, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के बिना आपने कुछ भी नहीं किया ना, तो भी मैं गारंटी देता हूं आपको 150 तो आराम से लेके आओगे भाई, 150 आराम से लेके आओगे। समझ रहे हो, एक्सपीरियंस हो गया उतने लास्ट 3-4 सालों का एमएसटीसीटी के फील्ड में। ठीक है, बहुत सारे लोगों के मैंने टॉपर्स टॉप डाले, वो आज महाराष्ट्र के टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, सेम न्यूटन एजुकेटर स्पेस से ही पढ़े हैं वो। ठीक है, आपका सीयूपी, वीजीटीआई, वालचंद, पीआईसीटी, वीआईटी कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं वो सारे बच्चे। ठीक है, उन्होंने भी सेम स्ट्रेटेजी फॉलो की, पढ़ लिया एक बार सिलेबस, मॉक टेस्ट लगाए। दुनिया कुछ भी बोले यार कि आप ये स्ट्रेटेजी लगा लो, वो स्ट्रेटेजी लगा लो, लेकिन आपको अंदर से पता है कि नहीं, ये सब फालतू चीजें हैं, हमें एक बार पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के बाद टेस्ट लगाने, टेस्ट लगाने, टेस्ट लगाने, टेस्ट लगाने, टेस्ट लगाते 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 ऐसा एक टेस्ट आ जाएगा जो आपका फाइनल एग्जाम होगा, उसी तरह आपका स्कोर आएगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट कहां से लगाओगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, आप कहीं बाहर से भी लगा सकते हो जहां पे आपको सोल्यूशन मिलने चाहिए, लेकिन बिना सोल्यूशन की मॉक टेस्ट नथिंग है, कुछ भी नहीं, कुछ यूज नहीं, लगा के भी कुछ यूज नहीं, सोल्यूशन मिलने चाहिए ताकि जो क्वेश्चन पहली मॉक टेस्ट में गलत हुआ वो सेकंड मॉक टेस्ट में आपका गलत नहीं होना चाहिए। उसी टाइप का अगर क्वेश्चन आया तो आप उसको सही करोगे, ऐसे करते 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 फाइनल तक आपको सारे क्वेश्चन सही करने, यही एक मोटो है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, 20 मॉक टेस्ट है, 20 मॉक टेस्ट का डिटेल सोल्यूशन है। ठीक है, टारगेट से कॉपी नहीं किए जैसा बाकी लोग करते होंगे, मैं करता नहीं टारगेट से कॉपी। ठीक है, सारे एक सीईटी से उठाया, एक गुजरात सीईटी से उठाया, एक पीवाईक्यू से उठा लिया, एक बोर्ड से उठा लिया, इस प्रकार आपका पेपर बनता है जैसा आपका एमएसटीसीटी का फाइनल पेपर बनेगा। ठीक है, अगर जिसकी पढ़ाई ही नहीं हुई वो क्या करे, वो आपका पहले क्रैश कोर्स लगा लो। ठीक है, क्रैश कोर्स करके पूरा पढ़ लो, उसके बाद मॉक टेस्ट में जंप करना। भैया क्रैश कोर्स क्या बोल रहे, कहां से लगाया हूं, उसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है। 7 दिन में आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो, सारे रिकॉर्डेड वीडियोस पड़े हैं हर एक टॉपिक का, हर एक टॉपिक लिया, टॉपिक के ऊपर आपका एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन के ऊपर एक पीवाईक्यूज लिया है लास्ट ईयर में, हाँ इस टॉपिक के ऊपर ऐसा ऐसा सवाल बना था, डिटेल में आपकी सब चीजें कवर कराई। ठीक है, ओके, मेन टॉपिक पे आते हैं हम। अभी टॉप 10 कॉलेजेस में 10वें नंबर का कॉलेज आता है आपका पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। इसका कट ऑफ जाता है आपका 98.5% फॉर कंप्यूटर साइंस में, सिर्फ कंप्यूटर की बात करूंगा, बाकी सब कंप्यूटर के नीचे 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 कट ऑफ आते हैं। सब बताने लग गया तो वीडियो एक घंटे का बन जाएगा, आप भी जानते हो इस चीज को। ठीक है, तो मैं कंप्यूटर की बात करूंगा, अगर आपको आपकी परसेंटेज का जानना होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट डालो, मैं बता दूंगा। ठीक है, हाईएस्ट पैकेज कितना जाता है, पैसा कितना मिलता है, इंजीनियरिंग पास आउट हो जाऊंगा तब पैसा कितना मिलेगा मुझे, पैसा मिलेगा आपको 28 लाख पर एनम, हाईएस्ट पैकेज गया है, आपको मिल जाएगा, इस बात की तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन हाईएस्ट पैकेज इतना गया उसका। ओके, नेक्स्ट आता है आपका श्री रामदेव कॉलेज, रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर। ठीक है, नागपुर में कॉलेज है आपका, उसका कट ऑफ जाता है 98.91। ओके, एंड हाईएस्ट पैकेज आपका जाता है 18 लाख पर एनम। ठीक है, विच इज ऑल्सो गुड 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 है ना। ठीक है, उसके बाद आता है आपका वीआईटी, आपका वीआईटी वेल्लोर वाला नहीं, ठीक है, विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे बेस्ड कॉलेज है। ठीक है, आपका इसका परसेंटेज जाता है 99.3, विच इज थोड़ा सा हाई है, 99.3 फॉर कंप्यूटर साइंस, और
आपका इसका हाईएस्ट पैकेज आप सुन के शॉक हो जाओगे, 50 लाख पर आना, ठीक है, बहुत अच्छा पैकेज है, सीटीसी है, लेकिन सबका सब नहीं मिलता आपको वो सब चीजें, सीटीसी क्या होता है क्या नहीं, बाकी चीजें बाद में बताऊंगा मैं आपको, सब चीजें बताऊंगा। उसके बाद है आपका वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, 99.4% है उसका कटआउट जाता है, हाईएस्ट पैकेज 98 है। ये मैं ऑर्डर का जैसे बता रहा हूँ, 10वें नंबर का, 8वां नंबर का, 7वें नंबर का, 6ठा नंबर का, उसके बाद में फर्स्ट नंबर के कॉलेज पे जाऊंगा, ठीक है। वालचंद कॉलेज का मैंने कटआउट बता दिया आपको 99.4, हाईएस्ट पैकेज आता है 38% है, एज ऑफ सौम्या उसके बाद आता है, उसका पैकेज आता है 99.49, ठीक है, हाईएस्ट पैकेज आता है 25 लाख पर एनम। नंबर 5 का कॉलेज है आपका डीजे सांगवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, उसका परसेंटेज आता है आपका 99.6%, हाईएस्ट पैकेज आता है आपका, मेंशन नहीं किया किसी भी वेबसाइट पे, इसलिए मुझे डाटा नहीं मिला, मैंने 2-3 स्टूडेंट से भी कांटेक्ट किया लेकिन मुझे अच्छे से डाटा नहीं मिला, इसलिए मैं आपको नहीं बता देना चाहता, ठीक है। पीआईसीटी कॉलेज का आपका हाईएस्ट पैकेज, पीआईसीटी आपका नंबर 4 पे आता है, ठीक है, आपका उसका कट ऑफ जाता है 99.7, हाईएस्ट पैकेज गया 98% एंड व्हिच इज वेरी गुड पैकेज, ठीक है। और पीआईसीटी को मैं नंबर 1 पे भी रख सकता हूं क्योंकि कंप्यूटर में इससे बेटर कोई कॉलेज नहीं, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से थोड़ा रैंकिंग में मैंने इसको नंबर 4 रखा है, ठीक है। नंबर 3 पे आता है आपका SPIT, ठीक है, सरदार पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसका आपका जाता है 99.8% है और आपका उसका कट ऑफ जाता परसेंट हाईएस्ट पैकेज जाता है 38 लाख पर एनम। एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, PICT में सिर्फ 3 ब्रांचेस है, ठीक है, जिसके कान खोल के सुन लो, ठीक है, कंप्यूटर IT, ENTC, ठीक है। SPIT में भी 4 ही ब्रांचेस है, ओके, कौन कौन से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप बताओगे, मुझे नहीं बताओगे मैं बता दूंगा बाद में, ठीक है। VGTI आपका कट ऑफ जाता है 99.95% है और हाईएस्ट पैकेज इज 33 लाख। और आखिरी का जो कॉलेज है नंबर 1 कॉलेज, उससे पहले मैं आपको कुछ बोनस कॉलेजेस बताना चाहता हूँ, ठीक है, जो कि बहुत अच्छे कॉलेजेस है, ठीक है, इनकी रैंकिंग आप सेकंड थर्ड कह सकते हो, ठीक है, लेकिन मुझे एक रैंकिंग मैनेज करनी थी इसलिए मैंने इनको रैंकिंग में नहीं डाला, लेकिन इनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। नंबर 1 सुनने से पहले ये 2 कॉलेज सुन लो, पहला है आपका ICT, ठीक है, मुंबई में है कॉलेज, और दूसरा है आपका कमिंस जो कि पुणे में है, अच्छे कॉलेजेस है, दोनों कॉलेजेस अच्छे हैं, ठीक है। इसका कट ऑफ परसेंटाइल आप बताओगे मुझे, ठीक है, मैंने रैंकिंग बता दी, ठीक है, सारे कॉलेजेस का मैं नहीं बता सकता है, ठीक है, जब बाद में आपके एग्जाम हो जाएगी तब तो आपका यही सारे वीडियोस आएंगे, ठीक है, ये कॉलेज ये परसेंटाइल सब एक एक कॉलेज का डिटेल पोस्टमार्टम करूंगा, ठीक है, आपको बताऊंगा, हाँ इसमें कैंपस ऐसा है, इतने लड़के होते हैं, इतनी लड़कियां होती है, इतने फैकल्टीज है, सब चीजें ऐसा मैं से सब चीजें बताऊंगा मैं इसका खाना कैसा है, ओके, मतलब समझ रहे हो आप, एक एक चीजें मैं आप सब चीजें बताऊंगा मैं आपको बाद में, लेकिन अभी सिर्फ आपको एक रैंकिंग बतानी थी मुझे। उसके बाद नंबर 1 कॉलेज सबको पता है, अगर जिसको पता नहीं होगा तो सुन लो, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, जिसका कट ऑफ जाता है 99.9% है, हाईएस्ट पैकेज अराउंड 33 लाख पर एनम। अभी बहुत सारे बच्चों को लगा होगा सर आपने VIT को तो इतना नीचे डाला और कंप्यूटर को इतना आगे डाल दिया, VIT का पैकेज 50 लाख था, COEP का था आपका 33 लाख, तो बेटा एक बात सुन लो, आपका ये परसेंटेज है, ठीक है, परसेंटेज सबसे ज्यादा प्लेसमेंट किस में होता है, COEP में होता है रादर देन VIT, समझ रहे हो इस बात को, आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी। किसी भी चीज से रिलेटेड डाउट हो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां से आप मुझे पर्सनल DM कर सकते हो। और अभी प्रिपरेशन का टाइम है, मॉक टेस्ट लगाओ, जितनी ज्यादा पेपर दोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका रैंक इंप्रूव होगा, अभी मेहनत मार लो उसके बाद मजे है, सही में मजे, छूटे बोल रहा हूं मैं, इंजीनियरिंग में बहुत मजे, कितने भी बोला ना आपको इंजीनियरिंग में पढ़ाई होती है कुछ नहीं होती, ठीक है, पढ़ाई आप आखिरी के एग्जाम के 7 दिन पहले स्टार्ट करते हो, ठीक है, मजे बहुत है अगर अच्छे कॉलेज में गए तो, बुरे कॉलेज में गए तो पढ़ाई करनी पड़ेगी क्योंकि प्लेसमेंट आपको नहीं लगेगी। इन सब चीजों के ऊपर प्लेसमेंट वगैरह के ऊपर वीडियोस आते रहेंगे, बाद में जब आप कॉलेज में चले जाओगे तब नया चैनल फॉर्म करके उस पर वही चीजें आने वाली है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम, तब तक के लिए सी यू, बाय, टेक केयर, थैंक यू।